गिराते हो तो तुम उसके भागीदार हो कि तुम भी आरक्षण नहीं चाहते और ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हो। बिहार निर्णायक बोर्ड में है, भारत सरकार आपके सहारे है। अब तो जो आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने बढ़ाई थी 75% का, उसको शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। नहीं डाले ना बोले और बीजेपी के लोगों ने इधर कोर्ट से खत्म करवा दिया। खाली लिखित में कि 75% में हो जाना चाहिए 9 शेड्यूल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। मांग किससे रहे भाई, करने वाला कौन? बिहार में सत्ता में आप बैठे, केंद्र में आप बैठे, फिर भी मांगी कर रहे हैं तो आपकी जरूरत क्या है उस कुर्सी पे बैठने की? कहा लिख रही है आप? जब डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह सरकार में आप बैठे हैं, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला रहे? सत्ता में बिहार के भरोसे सरकार चल रही है, भारत की चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर नहीं करेंगे तो गिरा दो सरकार। हम तो मुख्यमंत्री जी को कहे कि मुख्यमंत्री जी शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। अब तो आपके भरोसे बिहार निर्णायक बोर्ड में है, भारत सरकार आपके सहारे है। अब तो जो आरक्षण की सीमा जो हम लोगों ने बढ़ाई थी 75% का, उसको शेड्यूल 9 में डाल दीजिए। नहीं डाले ना बोले और बीजेपी के लोगों ने इधर कोर्ट से खत्म करवा दिया। अभी भी हम कहते हैं बिहार सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है 75% आरक्षण को बचाने के लिए, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। अगर बिहार सरकार नहीं जाएगी तो राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीम कोर्ट जाने का काम करेगा और बिहार में आरक्षण को पुनः लागू कराने का काम करेगा। इतना बड़ा लड़ाई था हम लोगों का, सब कुछ हम लोगों ने किया। अब जब मौका आएगा बहाली का तो उसमें हमारे नौजवानों को, पिछड़े समाज के लोगों को, अति पिछड़े समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ये एक सोची समझी साजिश है, इस बात को हम लोग समझते हैं। लेकिन कितना अच्छा होता कि ये 75% जो था शेड्यूल 9 में अगर केंद्र सरकार करती थी तो। बार बार बोलते हैं आरक्षण हम लोग खत्म कर देंगे, मोदी जी कहते थे, क्यों नहीं शेड्यूल 9 में डाला? हम जब उप मुख्यमंत्री थे, हम लोगों ने कैबिनेट से प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा कि इसको शेड्यूल 9 में डाला जाए, तो शेड्यूल 9 में इन लोगों ने क्यों नहीं डाला? उस पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, बात नहीं करते, क्या काम होगा? दूसरी लड़ाई हम लोगों की रहेगी। अब तो मुख्यमंत्री जी सरकार में शामिल है और देखते हैं कि अभी इन लोगों का मीटिंग हुआ जदयू का दिल्ली में, खाली लिखित में कि 75% में हो जाना चाहिए 9 शेड्यूल, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाना चाहिए। मांग किससे रहे भाई, करने वाला कौन? बिहार में सत्ता में आप बैठे, केंद्र में आप बैठे, फिर भी मांगी कर रहे हैं तो आपकी जरूरत क्या है उस कुर्सी पे बैठने की? कहा लिख रही है आप? जब डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह सरकार में आप बैठे हैं, तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिला रहे? इधर लोजपा के लोग बोल रहे हैं कि हम लोग तो पक्षधर हैं भाई बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए। हम ये नहीं कह रहे केवल बिहार को मिले, हम चाहते बिहार जैसे जितने गरीब या पिछड़े राज्य हैं उनको विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अमेंडमेंट होगा कि नहीं होगा नीति आयोग में, अरे करेगा कौन? सत्ता में बिहार के भरोसे सरकार चल रही है, भारत की चल रहा है कि नहीं चल रहा? अगर नहीं करेंगे तो गिरा दो सरकार, और नहीं गिराते हो तो तुम उसके भागीदार हो कि तुम भी आरक्षण नहीं चाहते और ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहते हो, यही सच्चाई है। तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन दोहरा चरित्र जो है सामने है।